तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपने रैबिट्स का घास डाल दिया है और रैबिट्स माशाल्लाह देखे किस तरह से यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे चिंटू मिंटू यहाँ पे घास खाना शुरू हो गई हैं। सुबह से मैंने अपनी मुर्गियों को खोला हुआ था लेकिन दाना पानी नहीं डाला था। अभी इन्हें दाना भी डालते हैं और पानी तो मैंने अभी अभी रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले इन्हें दाना डालते हैं क्योंकि ये सारा खरगोशों का घास खराब कर देंगे। मुर्गियों को भी दाना डाल दिया मैंने। अब आप ये काम देखें इनके, इसके अंदर से खाते हैं ये देखें, आधा दाना बाहर जाता है और आधा इनके मुँह में, मतलब आधा ज़ाया करते हैं और आधा ये खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों अभी अभी ना मैंने अपने रैबिट्स और मुर्गियों को घास डाला है और मेरे जो रैबिट्स हैं और मुर्गियाँ ना ये सुबह से खुली हुई हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बता दूँ, जो इनका केयर है ना वो बहुत ज़्यादा मैला हो रहा था, ये देखें माशाल्लाह आप काफ़ी साफ नज़र आ रहा है, इसकी सफाई की है मैंने। अपने रैबिट्स के बॉक्स को भी दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा मैला हो रहा था, इसे भी मैंने ना थोड़ा सा साफ़ किया, ये देखें कुछ साफ़ नज़र आ रहा है। इससे साफ करने की वजह से मैंने ना इन्हें सुबह सुबह खोल दिया था और सुबह से इन्होंने इतना तंग किया, सफाई भी सही से नहीं करने दी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी गया हूँ, रैबिट्स का घास लेके आया हूँ और रैबिट्स को भी घास डाला है, मुर्गियों को भी दाना डाल दिया। माशाल्लाह हमारी बड़ी मुर्गी और बड़ा मुर्गा भी इस वक्त घास खा रहे हैं। हमारे पिजन्स का जो एक पेयर है ना, मैं तो कहता हूँ इसे पहले खोल देता हूँ क्योंकि ये दाना पानी खा लेंगे ना तो फिर इन्हें वापस इसी बॉक्स में ही बंद कर दूंगा। क्योंकि अगर ये खुला रहते हैं ना तो दाना पानी खाने के बाद ये अपने वापस उसी बॉक्स में जाने की कोशिश करते हैं और सारे कबूतरों को तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। अब आपको पता भी होगा कि हमारे इस लास्ट वाले बॉक्स में एक पिजन का बेबी भी है जो सही सलामत रहना चाहिए, क्योंकि हमारे सेटअप पर फर्स्ट टाइम कोई पिजन का बेबी आया है। अगर लड़ाई के वक्त उसे कुछ हो गया ना तो मुझे कुछ हो जाना है। तो इस वाले पेयर को हम खोल लेते हैं। अब तो दोस्तों पिकाचू और चिंटू मिंटू के लिए ना मैंने इसमें दाना डाल लिया है क्योंकि हमारी बड़ी मुर्गी और बड़ा मुर्गा ना वहाँ पे दाना खा रहे हैं और ये देखें कि चिंटू मिंटू को करीब ही नहीं लगने दे रहे, दाना खाने ही नहीं दे रहे। तो अब मैं ना चिंटू मिंटू को और पिकाचू मुर्गे को हैंड फीड करवाऊंगा। देखिए जो हमारा पिकाचू है ना सिर्फ अभी घास ही खा रहा है, वो इस बड़े मुर्गे की वजह से ना दाना खाने नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो अभी अपने चिंटू मिंटू और पिकाचू को ना हैंड फीड करवाते हैं। भाग जाओ बड़े मुर्गे, आ जाओ जी पिकाचू आ जाओ। शाबाश माशाल्लाह, ये देखें ये सबसे पहले चिंटू मिंटू को बुला रहा है फिर खुद खा रहा है, ये देखें चिंटू मिंटू भी आ गए। चिंटू मिंटू और पिकाचू को ना मैं हैंड फीड करवा रहा था, हमारा खरगोश भी यहाँ पे आ गया है हैंड फीड पे, माशाल्लाह देखें दोनों खरगोश आ गए हैं और ये बाजरा भी बड़े शौक से खा रहे हैं माशाल्लाह, ये देखें। दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा था ना वैसा ही हुआ है, ये देखें कि ये वाला एक पेयर ना दाना भी नहीं खाया, इन्होंने अपने बॉक्स के लिए आके लड़ना शुरू कर दिया इन्होंने, क्योंकि पहले ये इस बॉक्स में बंद होते थे ना, तो अब ये देखें कि इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी सज़ा मैंने आपको बताई थी कि ये अपने अंडे ख़राब कर देती हैं, तीन तीन अंडे इन्होंने अपने बॉक्स में ख़राब किए हैं और बच्चे नहीं निकाले। तो इस वजह से ना अब इनकी ये सज़ा है कि इन्हें ना इसी वाले पिंजरे में बंद करना है और ये इसी वाले पिंजरे में ही बंद होते हैं। अब वहाँ पर इसलिए गए हुए हैं कि अपने बॉक्स के लिए लड़ाई कर सकें और वहाँ पर कब्ज़ा कर सकें, हालाँकि वो बंद है अभी। तो दोस्तों सबसे पहले ना अपने पिजन के लिए यहाँ पे दाना डालते हैं और फिर अपने पिजन्स को ओपन करेंगे। फैला के डाल देता हूँ ताकि चिंटू मिंटू पिकाचू और बड़ी मुर्गी बड़ा मुर्गा ना हमारे पिजन्स को तंग ना करें, बहुत है इनके लिए दाना। एक केज तो ये वाला ओपन कर लेते हैं और दूसरा इसको ओपन कर लेते हैं। आ जाओ जी, तो दोस्तों अपनी काली मुर्गी की एक बात बताता हूँ कि जब सुबह मैंने ये केज ओपन किया ना तो सबको निकाल दिया था, रैबिट्स को और मुर्गियों को। तो इस काली मुर्गी ने देना था अंडा और इसके अंडे देने का टाइम था, इसने बाहर ही अंडा दिया और ज़मीन पे गिर के ना वो टूट गया, इस जगह पे था ऊपर अंडा दिया और वो नीचे जाके ना गिरा और टूट गया बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने आज नाश्ते में वो अंडा खाया और काफ़ी लजीज था। तो ये हमारी मुर्गी ना कुड़क होने पे आ रही है लेकिन कंप्लीट कुड़क नहीं हो रही यार, हम ये डर रहे हैं कि अगर इसके नीचे अंडे रख दिए तो ये शायद ना बैठे ख़राब कर दे। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जब मुर्गी कुड़क होती है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि सारे बर्ड्स को और खरगोशों को ना मैंने दाना पानी फुल कर दिया है। अब चलता हूँ अपने बजिस को लेके आता हूँ और अपनी फिशेज को लेके आता हूँ। फिशेज को मैंने ना दो तीन दिन हो गए नहीं दिखाया आपको और अपने बजिस को भी लेके आता हूँ। तो दोस्तों मैं अपने बजिस को यहाँ पे ले आया हूँ, माशाल्लाह काफ़ी खुश है, इन्हें दाना पानी भी रख दिया था। ये नीचे होते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा शोर मचाते हैं और मेरे ख्याल में अभी ये फीमेल ना रोटी के लिए आई है क्योंकि रोटी भी मैं लेके आया हूँ ना, तो इन्हें सबको रोटी डाल देते हैं हमारे रैबिट्स मुर्गियों के लिए और कबूतरों के लिए, सारे मिल के खाएंगे। तो इसे फैला के डाल देता हूँ इधर, माशाल्लाह देखें सारे आ गए हैं यहाँ पे, रोटी भी बड़े शौक से खाते हैं हमारे रैबिट्स भी, माशाल्लाह देखें कितने शौक से रोटी खाते हैं।
दोस्तों अभी ना एक ब्लैक कबूतर यहाँ पे आके बैठा है, तो मैंने ना अपने ये ब्लैक जोड़े को और एक वाइट जिसे हमने कलर किया था इस कबूतर को ना मैंने यहाँ पे बिठा दिया, शायद ये इनके पास आ जाए और हमारे सेटअप पर यहाँ पे नीचे उतर जाए। तो दोस्तों उस कबूतर का पता नहीं वो कहाँ गया है, नज़र ही नहीं आ रहा, ब्लैक कलर में था। तो हमारे जो यहाँ पे कबूतर बैठे हुए थे ना वो सारे नीचे आ गए, ये हमारा ब्लैक पेयर। तो अभी चलता हूँ मैं अपनी फिशिज़ को ऊपर लेके आता हूँ। तो यार फिशिज़ को तो मैं ऊपर ले आया हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है यार, मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा है देख के। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखें कि हमारी एक फ़िश मरी हुई है यार, और दूसरी फ़िश को चेक करते हैं कहाँ पे है। दूसरी फ़िश अपने प्लांट के पीछे छुपी हुई थी, लेकिन यार ये देखें कि एक फ़िश मर गई है यार, पता नहीं कैसे हुआ है। इन्हें रोटी भी टाइम पे डाल रहे हैं हम, ये देखें कि इनकी खुराक सारी यहाँ पे पड़ी हुई है, पानी भी इनका वक्त पे चेंज कर रहे हैं, सफाई भी सही से कर रहे हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ है यार, पता नहीं दूसरी अकेली रह भी सकती है या नहीं रह सकती, ये भी कन्फर्म नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ना फ़िश को बाउल से निकालता हूँ और देखता हूँ कि शायद कोई रीज़न समझ में आ जाए इसके मरने की। तो अभी इसे निकाल के देखता हूँ। यार इसका जो पेट है ना वो काफ़ी फूला हुआ है, और ये मुझे लगता है काफ़ी देर से मरी हुई है, क्योंकि ना इसकी जिस्म पे ये देखें कि काफ़ी लेसदार हो गए यार। इतनी प्यारी फिश थी, अब पता नहीं ये वाली फिश अकेली रह पाएगी नहीं रह पाएगी, वो भी बार बार छुप रही है इसके अंदर, बाहर नज़र ही नहीं आ रही है। देखें साइड से थोड़ा सा उसने मुँह निकाला है, परेशान हुई हुई है काफ़ी। तो अब यार इस फिश का क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब इसे दफना दूँ या मुर्गों को डाल दूँ। मेरे ख्याल में पिकाचू को डाल देनी चाहिए, क्योंकि एक ही फिश है, इसे दफना के भी क्या मिलेगा, क्या कर सकते हैं इसका, और कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलो पिकाचू को डालते हैं इसे। तो दोस्तों पिकाचू यहाँ पे बैठा हुआ है, चिंटू मिंटू भी इसके साथ हैं, तो पिकाचू के सामने करते हैं शायद ये खा ले। ये लो पिकाचू फिश खा लो। कहाँ गई फिश, वो देखो एक चिंटू मिंटू में से चिंटू ने खा ली है भाई फिश। यार चिंटू खा गया वो फिश, मैंने अभी अभी देखा है कि थोड़ी सी बच रही थी इसके मुंह में, वो भी ये खा गया, एक ही दम में खा गया यार, इतने जालिम है यार ये। पिकाचू ने नहीं खाई, अपने चिंटू मिंटू को दे दिया, मैंने आपको कहा है ना कि बड़ी केयर करता है ये चिंटू मिंटू की। तो दोस्तों वो देखे दोबारा वो ब्लैक पिजन यहाँ पे आके बैठ गया है, लेकिन मैं अपने पिजन्स को तंग नहीं करना चाह रहा, अगर वो आएगा तो खुद आ जाएगा, वरना मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा उसके साथ। तो दोस्तों मुर्गियों को बंद करने से पहले ना उनके केज में ये तोड़ा बिछा लेते हैं, क्योंकि आज ही सफाई की है ना, ताकि कुछ दिन तो साफ रहे ये। नीचे वाले बॉक्स में भी हमने अभी बिछाना है तोड़ा। दोस्तों रैबिट्स का बॉक्स भी हमने कवर कर दिया, ये बेचारी मछली अकेली रह गई है, अब ना हम इसके लिए एक और लेके आएंगे, और मैं कहता हूँ कि अभी ना थोड़ा सा वेट करके लेके आएं, ताकि थोड़ा सा मौसम नॉर्मल हो जाए और फिर ये सर्वाइव भी कर सकें। यार काफ़ी दुख होता है जब हम मछली लेके आते हैं और वो मर जाती है, नाजुक सी जान होती है यार। तो दोस्तों आज की वीडियो का इख्तिताम काफ़ी अफसोस के साथ करना पड़ रहा है हमारी, क्योंकि एक फ़िश मर गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।